मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर ये देखो, हमारा चैप्टर ये पूरा ख़त्म हो गया है। सप्तम पाठ है मनीष चंद्र जालम का, पूरा चैप्टर हमारा क्वेश्चन आंसर ये सब का सपना एक्सप्लेन हो गया और हमारा ये चैप्टर पूरा एक्सरसाइज के रूप में भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसका व्याकरण में पहला भाग है जो व्याकरण में बीच में दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। ओके, इसमें कारक, कारक मतलब क्या होता है, विभक्तियाँ, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह मतलब क्या होता है। जैसे कि बीच में हम कुछ विभक्तियों का प्रयोग करते, ने, पर, का, के, की, ये सब विभक्तियाँ होती है जिसके द्वारा दो वाक्यों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से कारक होती है, कारक रचना होती है जो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, यानी ये विभक्तियाँ, सात विभक्तियाँ पाई जाती है और एक संबोधन, मतलब ये विभक्तियाँ पाई जाती है जो कि कर्ता के साथ में जब हम जोड़ते हैं ना उस टाइप का जुड़ा रहता है। जैसे कि कर्ता ने, अब ने क्या हुआ, विभक्ति हुई ना, कर्ता ने, अब कुछ शब्दों को लेते हुए जोड़ा जाता है, कर्म को, करण से किया, के द्वारा, करण मतलब कारण, संप्रदाय के लिए को, अपादान से अलग होने से, संबंध या संबंध के बीच में जब प्रयोग किया जाता है, का, की, के, रा, रे, री, उसमें ऐसा संस्कृत भाषा में एक दो शब्दों को लेते हुए प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में, अधिकरण मतलब में, पर, ऊपर, संबोधन, अपन किसी को संबोधन, संबोध करते हैं, बुलाते हैं संबोधन करने में, हे, अरे, भो, ऐसा। अब प्रत्यय क्या कहलाता है, प्रत्यय बोध। देखो प्रत्यय तीन प्रकार के, प्रत्यय तीन बताए गए हैं, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लेप प्रत्यय। प्रत्यय क्या कहलाता है, प्रत्यय वह कहलाता है जो शब्द के पीछे जुड़ता है, पर इसमें संस्कृत नॉर्मल प्रत्यय जब अपन हिंदी में जुड़ता है तो उसमें ये जुड़ता है जैसे दुकान वाला, खिलौने वाला, पर तो संस्कृत में ये धातु में जुड़ता है, धातु मतलब कार्यों में जुड़ता है, किए हुए उसमें। तो कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लय प्रत्यय जो धातुओं को जोड़े जाते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने में भी सहायक होते हैं। जैसे कि रामचार मिमम श्रुत्वा विस्मय राजा विचारत। अब श्रुत्वा समाचार सुना, राजा ने विचार किया, सुना यानी बीच में श्रुत्वा, श्रु, कत्वा यानी सुना, ये जोड़ा गया पीछे, कत्वा ये जोड़ा गया है। इसी प्रकार से प्रत्यय जोड़ा जाता है जैसे किसमें, धातु में, जैसे कत्वा प्रत्यय में अधिकतर आधा क, आधा त, व, परंतु जब पीछे जो जुड़ता है वो हमेशा सब शब्दों के पीछे, धातु में पीछे त्वा त्वा करके लिखा रहता है, उससे पहचाना जाता है कि यह कत्वा प्रत्यय है। जैसे पठ धन कत्वा, अब यहाँ पठित्वा त्वा आया है ना, तो मतलब पढ़कर, पढ़कर, कर ये पीछे जुड़ रहा है, जैसे वाला जुड़ता है ना हिंदी में दूध वाला, उसी प्रकार से जुड़ रहा है इसमें। इसी प्रकार से देखो कत्वा प्रत्यय का बता रही, खाद धन कत्वा, तो खादित्वा, खा कर, ऐसे प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। ऐसे इसी प्रकार से अनेक प्रकार के एग्जांपल रहते हैं, जैसे क्रीड धन कत्वा, यानी क्रीड यानी खेलना, तो खेल कर, कर यानी कत्वा पीछे जुड़ा है। इसी प्रकार से कृत्वा, पीत्वा, लिखित्वा, स्थित्वा, धव, यानी कत्वा प्रत्यय में त्वा त्वा करके पीछे धातु में जुड़ा रहता। अब उसी प्रकार दूसरा है तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय तुम शेष रहता है, यानी आखिरी में जब शब्द के आखिरी में धातु में तुम करके लिखा रहता है, वहाँ कर है, यहाँ के लिए, तुमुन मतलब के लिए होता है। ओनली तुम यानी इसमें अधिकतर शब्द के पीछे धातु में तुमुन करके शब्द में अपन को समझ में जाता है तुम करके। तुमुन प्रत्यय में शब्द के आखिरी में हमेशा धातु में तुम करके लिखा रहता है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए आप, धाव धन तुमुन। अब तुमुन में क्या है, धावितुम, धाव मतलब दौड़ना, तुम दौड़ने के लिए, तुमुन मतलब इसका हिंदी में होगा के लिए, हर जगह धातु में लगेगा जब भी तो वो के लिए। कर तुमुन, कर तुम,
कर तुम लगाना आखिरी में ये करने के लिए, क्रा मतलब करना, तुमने ना करने के लिए, उसी प्रकार हर एग्जांपल रहेगा। जैसे पट तुमन, अब जैसे पढ़ने के लिए, यहाँ पर देखो पट में अपन क्या पढ़े थे, कत्वा पढ़ कर, अब इसमें क्या पढ़ने के लिए, यानी क्या लगा के लिए तुमन में, ठीक है। इसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल है, दृष्ट तुमन दृष्टुम देखने के लिए, पा तुमन पा मतलब पीना पीने के लिए, खेल तुमन मतलब ये लग रहा है, जब कहीं भी आपको एग्जाम्पल में अगर दिखता है खेल तुम लगा है तो ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, तुमन प्रत्यय, और जहाँ त्वा लगा रहता है वहाँ पर कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, कत्व प्रत्यय। इसी प्रकार से अब तीसरा है हमारा लेप प्रत्यय, जो मेन माने गए हैं। जैसे लेप प्रत्यय का प्रयोग कत्व प्रत्यय के अर्थ में होता है, यानी क्रिया का में तो रहता है, क्रिया के साथ रहता है, कर के साथ में सीरीज में ये रहता है कि पहले लगा रहता है। लेप प्रत्यय में जो शब्द रहता है वो उपसर्ग के भांति शुरू में लगा रहता है क्रिया के साथ में। जैसे लेप प्रत्यय का प्रयोग कर्तव्य प्रत्यय के अर्थ में होता है, भेद केवल इतना रहता है कि लेप प्रत्यय उपसर्ग के पूर्वक धातु में जोड़ा जाता है, यानी कार्यों में शुरू में जोड़ा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो आप लोग, जैसे वी धन हस धन लेप, अब ये देखो कत्व कर है ना, यानी हस कर, परंतु इसमें क्या लगा हस्य, यानी हंसना, हस्य कर। अब ये उसी प्रकार से है कत्वा जैसे, पर इसमें त्वा नहीं है, इसमें क्या है वी हस यह लगता आखिरी में, देखो इसमें यह लगा सब में। जैसे आनी लेप, आनी यानी लाकर, नी मतलब लाना, आ आ नी मतलब ला कर, आ धनता धन लेप, आदाय मतलब लेकर, अब कर तो लग रहा परंतु इसमें शुरू में आ लग रहा है, यानी ये उपसर्ग की भांति शुरू में लगता है, ठीक है। जैसे वी धनचर धन लेप विचार, अब वी लगा ना शुरू में विचारे, परंतु विचार कर, यानी ये कत्वा भांति रहता है, धातु में ही लगता है परंतु ये उपसर्ग के समान सामने लगता है। अब इसके बाद में हमारे संख्या है जो संस्कृत ने एक से लेकर 50 तक लिखना है, ये देखो सॉरी एक से 50 तक संख्याओं का शुरू में हो चुका है, जैसे एक कम दुई तृतीया चतुर्थय पंचय, इसी प्रकार 50 तक लिखना, उसके बाद ये 51 से लेकर पूरा 100 तक के लिखा हुआ है इसमें, एक पच सात एक दुई पच सात यानी 51 52 53 संस्कृत 51 52 53 ऐसे पूरी संख्या 100 तक दी गई है, तो इसको आप देख लेना 100 तक, फर्स्ट लेकर 50 तक कर लेना, उसके बाद में फिर 51 से लेकर 100 तक की संख्या को याद कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में हमने ग्रामर का व्याकरण का फर्स्ट वाला पढ़े, ये प्रत्यय क्या कहलाता है, प्रत्यय वह कहलाता है जो हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, परंतु इसमें संस्कृत में जो प्रत्यय है वो क्रियाओं के पीछे जुड़ रहा है, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना, ये वीडियो देख लेना समझ लेना, नहीं समझ में आया तो आप शेयर भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे।